बक्सा राजस्थानी चंगबारी 8 नं बरदवाली केन्द्र बीजेपी ने अंगे बातेनाय हासनी ताबुनी मंत्री अक्रा मानिक साहा बदल तुय रुगुरगनी नगनगो चंगबारी आवाय मुंग अंखरजाक असालनी कक आवायथानी तंबायखा पुरमथनी मेयर दीपक मजुमदार किसान मोर्चा तांगमांग जहर साहा हासे बीजेपी प्रभारी विनोद सुनकर त्रिपुरा साहामकलाई मंत्री राम पद जमातियान खबै कुबुनी आदर कक आवायथानी कक थन्द्र निमसंग मंत्री अक्रा साखा सालब्रनो चंगबारी कक आवाई मुंग अंखरी लुकुरकनी काहाम फिरक मानी दंग ते बसकांग चंगबारी व लुकुरकनी हामरी बाय गोबां बोर्ड मानी कपलाय एंगने हनै साखा बातायनाय मंत्री अक्रा मानिक साहा कैमरा कैमरा यहाँ की जनता केवल विधायक नहीं सीएम को चुन रही है, निश्चित रूप से इसको लेके यहाँ के कार्यकर्ताओं में यहाँ के मतदाताओं में उत्साह है। हम लोग एक बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। तो सर आप तो ये आपके सब कुछ देख रहे हैं कि चुनाव में कैसा हालत है, तो सब जगह पे आप घूम चुके, चारों जो चार जगह पे जो चुनाव हो रहे हैं, कैसा माहौल है? इससे पहले इस चार में तीन विधानसभा हमारे पास थी और इस चुनाव में चार के चारों हम जीतने जा रहे हैं। तो आज के सकाल बेला शुरू करब खाली जावर पर बोलते प्रतिदिन ही प्रचार कर सब जगह तो मैंने हमारे आस्था अर्पण कर सबा तो हमें श्योर जो मानुषर का जी वन टू वन हमें जो ওদের সাথে কথা বলতে পারি তাহলে আরও বেশি পরিমাণে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি ওনার আস্থা প্রদর্শন করবেন এবং আশা করি আমি এখানে বিপুল ভোটে জয় পাই। স্যার পাশাপাশি আরও আপনি কেন্দ্র ছাড়া আরও তিনটা জায়গায় নির্বাচন, তাদের জন্য কী বার্তা থাকবে? নিশ্চয়ই আমি সেখানেও আগে গেছি, আবার যাব আমি 17 তারিখ দুটো যে কেন্দ্র আছে সুরমা এবং যুবরাজনগর সেখানে আমি যাব। সেখানেও আমি দেখেছি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি ওদের বিশ্বাস রয়েছে, ওনাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং সব জায়গায় ছয় আগরতলাতেও আমরা দেখছি এখানে আমার পাশেরই বিধানসভা, তো সেখানেও আমি গেছি কয়েকবার, আবার যাব। আর নিজের কেন্দ্রে তো আমি আছি, আমার সাথে আমাদের প্রভারিজিও এসে গেছেন, তো সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমার মনে হয় আমাদের কোনো অসুবিধার কোনো কারণ আছে।